राजनीति में हमेशा विरोधी सत्ता पक्ष को मुद्दों की राजनीति में घेरने की जुगत में लगे रहते हैं। ऐसे में अगर मुद्दा सूबे के मुखिया और कानून व्यवस्था से जुड़ा हो तो बात ही और होती है। इन दिनों राजस्थान में अब एक बार फिर विपक्ष कमर कसते हुए कोरोना काल के बीच सत्ता में आसीन कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेरने में लगा हुआ है। जहां नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा था, अब सरकार को चौतरफा घेरने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मैदान में उतर आए हैं। पूनिया ने सीधे तौर पर सीएम अशोक गहलोत को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध बेलगाम हो रहे हैं, मेवात इलाके में संगीन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, खासकर हिंदू परिवारों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, गैंगरेप की वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गृह मंत्री भी हैं, ऐसे में वारदातों पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रहे हैं। वहीं इससे पहले वसुंधरा राजे ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए अशोक गहलोत सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था। वहीं बेनीवाल ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि प्रदेश की गहलोत सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि सूबे के गृह मंत्रालय का जिम्मा सीएम गहलोत संभाल रहे हैं, लिहाजा विपक्ष कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर वक्त बेवक्त मुख्यमंत्री गहलोत को विपक्ष निशाने पर ले ही लेता है, और ले भी क्यों ना, आखिर सूबे की कानून व्यवस्था का जिम्मा जो उन पर है